नमस्कार नमस्कार, वेलकम वेलकम। बात रहेगी, जैसे मैं आपसे पूछ रहा था, तो हमने साउथ ईस्ट में हर 8 फुट छोड़ करके मेरा बेडरूम आता है और साउथ वेस्ट में 10 फुट छोड़कर मेरी किचन आती है, तो क्या ये वास्तु दोष अभी भी रहेगा? बिल्कुल वास्तु दोष रहेगा, क्योंकि जब स्ट्रक्चर की बात हम करते हैं, जो आपके घर का स्ट्रक्चर बना हुआ है उसका कोना साउथ ईस्ट है और वह आपका बेडरूम है, और जो साउथ वेस्ट है आपके प्लॉट का, वह जो कंस्ट्रक्टेड साउथ वेस्ट है वह आपकी किचन है, तो दोनों गलत हैं। साउथ ईस्ट के बेडरूम में आपने पिंक कलर या लाइट ग्रीन कलर करवाना है, मून स्टोन बॉल्स रखनी है आपने इस डायरेक्शन में, और जो आपकी किचन है उसके डोर के बाहर आपने ब्राउन कलर करवाना है, एक तांबे का स्वस्तिक आपने रखना है। डॉक्टर साहब, कई बार हम देखते हैं कि जब भी हम घर से निकलते हैं, मन में एक ख्याल होता है कि अरे घर से तो निकल रहे हैं, पता नहीं इस काम में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर आज का दिन पता नहीं कैसा होने वाला है, तो उसके लिए क्या टिप है? देखिए, मैं यह मानता हूं कि हम अपनी वास्तु को अपने साथ लेकर के चलते हैं, तो सबसे पहले आपने कॉन्फिडेंस रखना है अपने मन के अंदर और एफर्मेशंस बोलनी है कि आई विल बी सक्सेसफुल ऑल द डे। हर सुबह यह बोलना है, जब भी आप उठते हैं, सुबह उठते ही आंख खुलते ही आपने अपने नाक का स्वर यानी कि ब्रीथिंग स्वर चेक करना है। स्वर दोस्तों कहते हैं किसी दोनों नासिका में से एक से सांस आ रहा होता है, तो किस नासिका से आपको सांस आ रहा होता है यह आपने चेक करना है। यह आपकी बॉडी वास्तु है और लाइव वास्तु के अंदर इसको हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे ही आपकी आंख खुली आपने चेक करना है कि इस नाक से सांस आ रही है, इस नाक से आ रही है, तो जिस शरीर के जिस तरफ से भी सांस आ रही है वह कदम आपने नीचे उतारना है और मां धरती को प्रणाम करना है कि हे मां, हम आपके ऊपर कदम रख रहे हैं, हमारा साथ दीजिए, हमें सक्सेस दीजिए इस दिन में। और जब जब आप जैसे जैसे काम के लिए बढ़ रहे हैं, जिस तरफ का सांस चल रहा है वही पैर आपने आगे बढ़ाना है। घर के दरवाजे से निकलते वक्त आपने चेक करना है कि किस तरफ से सांस चल रहा है, किस तरफ की नासिका चल रही है, वही कदम आप अगर बाहर निकालेंगे तो आपका दिन बहुत सक्सेसफुल जाएगा और आप किसी भी काम के लिए निकलेंगे तो यू विल बी सक्सेसफुल। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं वो इस टिप को ज़रूर अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे और वो सक्सेस आप पाएंगे जो कि अभी बस आपके ख्वाबों में थी, सपनों में थी, वो सपने अब हकीकत में बदल जाएंगे। जी नमस्कार रेखा, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरा लड़का लैब में काम करता है और ट्यूशन भी पढ़ाता है, तो उसको किस दिशा में मुफ्त करके पढ़ाना चाहिए और किस दिशा में उसको कुर्सी पर बैठना चाहिए? जी देखिए, जब भी हम किसी टीचिंग प्रोफेशन में होते हैं या पब्लिक रिलेशन प्रोफेशन में होते हैं, ईस्ट हमारे लिए बहुत ही अच्छी दिशा है। ईस्ट सनराइज की डायरेक्शन है, भगवान इंद्र देव इसको ओन करते हैं और हर प्रकार से मैनिपुलेशन पावर हमें मिलती है अगर हम ईस्ट फेस करते हैं। जी